अगर तुम टोर्नेडो देखोगे तो टोर्नेडो कुछ भी नहीं है, टोर्नेडो भी वेरी हाई स्पीड में, मूवीज में देखे होगे ना, मूवी में कभी देखे होगे ना टोर्नेडो एकदम इस टाइप का मूवी या कार्टून में भी तो ऐसे करके बना के रखता है राइट, एकदम खतरनाक स्पीड से रोटेटिंग स्पायरलिंग विंड है। और जनरली देखोगे क्या पूरा ब्लैक ब्लैक रहता है मूवी में, गाड़ी उड़ गया, ये सब उड़ गया, वो सब घर उड़ गया, पेड़ उड़ गया राइट, इस सब टाइप का वही है टोर्नेडो। तो टोर्नेडो क्या एक वर्टेक्स टाइप का है, टोर्नेडो क्या एक वर्टेक्स है जिसमें कि हाई स्पीड में विंड रोटेट होता है और जिसका कि अप, जो कि क्या होता है एक एक साइड तो जहां की जमीन से टच होता है वहीं अपर साइड में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से कनेक्टेड होता है। अपर पार्ट किससे कनेक्टेड होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से कनेक्टेड होता है ठीक है। दिखने में कैसा होता है, जनरली तुम देखते हो कि ब्लैक दिखता है और ब्लैक दिखने का कारण क्या है, मॉइस्चर डस्ट ठीक है डेब्री जो भी आता है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। खास करके क्या होता है, ऊपर चौड़ा होता है और नीचे क्या होता है पतला होता है। तुम तो जानते हो कि जितना नीचे पतला होता जाएगा स्पीड उतना ज्यादा उसमें तेज होता जाएगा, तो इसमें मतलब अच्छा खासा गाड़ी वाड़ी भी उठाने का पावर होता है, इतना मतलब पावरफुल होता है ठीक है। तो ये टोर्नेडो हो गया। इसका बनने का प्रोसेस क्या है, बोलते हैं कि पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वर्टिकल विंड शियर है ठीक है, कहीं स्पीड विंड की ज्यादा तेज है कहीं कम है, इसके कारण क्या होता है, मान लो ये अर्थ सरफेस है ना, पहले धरती पे बड़ा सा एरिया में सर्कुलर टाइप का पहले मोशन, मतलब सोच लो पाइप टाइप का बन गया है, पहले ऐसे सोच लो एक धरती पे फ्लैट ट्यूब टाइप का इस तरह का सर्कुलर रोटेशन शुरू हो गया ठीक है। इसके बीच में कहीं एक एरिया पे बहुत ज्यादा हीटिंग के कारण, इंटेंसिटी के कारण क्या होता है, अप ड्राफ्ट शुरू हो जाता है, यानी ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और ये कुछ नहीं, इसको ऐसे ही सोचो कि फ्लैट पाइप पड़ा हुआ था, अप इधर से कोई फोर्स लगा रहा है तो अल्टीमेटली ये पाइप क्या हो गया, वर्टिकली खड़ा हो गया ठीक है, प्लस और सब वेदर कंडीशन मिलके नीचे सकरा होते जाता है और ऊपर क्लाउड से जुड़ जाता है ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा इसका मैकेनिज्म डिटेल में तुम लोगों को पढ़ना नहीं क्योंकि तुम्हारी किताब में मेंशन भी नहीं है, बट जस्ट इन केस के लिए तो ये क्या है, तुमको लो प्रेशर जोन है, लोकलाइज्ड वेरी हाई लो प्रेशर जोन है, रोटेटिंग है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है, ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जुड़ा हुआ है, डस्ट मॉइस्चर ये सब के कारण क्या होता है ब्लैक दिखता है ठीक है। और ये होता है क्या, पहले हॉरिजॉन्टल बिकॉज ऑफ वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है विंड का, फिर अपड्राफ्ट के कारण वो जो पूरा कॉलम होता है रोटेटिंग कॉलम जो होता है वो क्या होता है खड़ा हो जाता है, इस अपड्राफ्ट के कारण रोटेटिंग कॉलम क्या होता है तुम्हारा खड़ा हो जाता है और वही टोर्नेडो को जन्म देता है। धीरे धीरे शुरुआत जो होता है ये बड़ा सा होता है ठीक है ना, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है कंडेंस छोटा सकरा होते जाता है और पावरफुल होते जाता है, ऐसे नहीं कि ओरिजिन ही होता है इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, टाइम के साथ ये स्ट्रेंथ पाता है ठीक है। तो ये है टोर्नेडो, इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको फुजीता स्केल बोलते हैं, उसमें नापते हैं बट अगेन ये सारा मेंस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से टोर्नेडो जितना कि साइक्लोन सब है ठीक है, बट वही अगेन पूछ दे तो उस हिसाब से हो जाएगा ठीक है। तो इसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा जो बचा है वो ओशन वाला पार्ट बचा है, ओशन ओशन सर्कुलेशन ओशन करेंट वो सारा बचा है, तो वो भी देखेंगे, क्लोज कर दूंगा।